कोरोना के वार तेजी से जारी, मूजी वबा से अमवात का सिलसिला ना रुक सका। मोहलिक वायरस दुनिया भर में 1,90,000 से ज्यादा जिंदगियां ले गया। दुनिया भर में मुतासिर अफराद की तादाद 27,25,000 से तजावुज कर गई। दुनिया का हर खत्ता कोरोना वायरस की लपेट में आ गया। दुनिया भर में 17,88,606 मरीज अब भी अस्पतालों में जेरे इलाज हैं, जिनमें से 58,678 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 7,45,824 मरीज सेहतियाब होकर अपने घरों को वापस लौट चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 27,25,000 से तजावुज कर चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 1,91,057 हो चुकी हैं। अमरीका कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क है, जहां न सिर्फ मरीज बल्कि इस वबा से हलाकतें भी दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज्यादा है। अमरीका में कोरोना से मजीद 2,322 अमवात के बाद अब तक 50,000 से ज्यादा अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमू तादाद 8,86,000 हो चुकी है। अमरीका के अस्पतालों में 7,50,000 से ज्यादा कोरोना मरीज जेरे इलाज हैं, जिनमें से 14,997 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 85,922 कोरोना मरीज से सेहतियाब हो चुके हैं। बरतानिया में मजीद 638, फ्रांस में 516, इटली में 464, स्पेन में 440, बेल्जियम में 228, तुर्की में 115 और ईरान में 90 अमवात हुई है। स्पेन में कोरोना के अब तक 2,13,024 मुसद्दका मुतासरीन सामने आए, जबकि इस वबा से अमवात 22,000 से ज्यादा हो चुकी है। इटली में कोरोना की वबा से मजमूई अमवात 25,549 हो चुकी है, जहां इस वायरस के अब तक कुल केसेस 1,89,973 रिपोर्ट हुए हैं। फ्रांस में कोरोना वायरस के बायस मजमूई हलाकतें 21,800 से ज्यादा हो गई, जबकि कोरोना केसेस 1,58,000 से बढ़ गए। जर्मनी में कोरोना से कुल अमवात की तादाद 5,500 से ज्यादा हो गई है, जबकि कोरोना के केसेस 1,53,129 हो गए हैं। बरतानिया में कोरोना से अमवात की तादाद 18,007 से ज्यादा हो गई, जबकि केसेस की तादाद 1,38,000 से बढ़ गई है। तुर्की में कोरोना वायरस से जान बाँक होने वालों की तादाद 2,491 हो गई, जबकि कुल केसेस 1,12,000 के करीब पहुंच गए। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 5,000 से ज्यादा हो गई, जबकि केसेस 87,000 से बढ़ चुके हैं। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 500 से ज्यादा हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 62,500 से तजावुज कर चुकी है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 121 रिपोर्ट हुई है, जबकि इसके मरीजों की तादाद 14,000 के करीब जा पहुंची है।